If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe. भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, Zotac के कार्ड 5000 में आते हैं। आपको Zotac गेमिंग की वेबसाइट पर जाना है और जाकर आपने प्रोडक्ट का सेल नंबर डाल के उसको रजिस्टर्ड करना है, तभी आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। अदरवाइज ऐसे 2 साल की मिलती है, 2 या 3 साल की। तो अगर आप लोग कहो तो हम इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए बना दें। है सो भाई, अभी तक हमारे लोगों के चैनल पे कोई भी फुल्ली लियानली बेस्ड बिल नहीं आया था, फुल्ली लियानली बेस्ड, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स लियानली के यूज हो रहे हैं, क्योंकि लियानली मेरा भी फेवरेट ब्रांड है और अंकित का भी फेवरेट ब्रांड है। तो ये जो पार्टिकुलर बिल्ड है, ये फुल लियानली बेस्ड बिल्ड है भाई, मजा आ जाएगा। सो व्हाट्स अप ब्रो, कैसे हो आप सब? जी शराब खान आपके नाम बताओ अपना। ₹3.2 lakh का फुल सेटअप है। मोस्ट ऑफ चीजें स्ट्रीमर प्लस, स्ट्रीमर फैन, गैलाहट कैबिनेट सब लग रहा है लियानली का, और फुल फाड़ू सेटअप है। नाम है भाई का विक्रम कश्यप, लोकेशन है इनकी रतनपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अब बहुत मस्त बंदा है, मैंने इनसे बोला विक्रम भाई कुछ चीजें आप चेंज करने के लिए, भाई जो मर्जी है चेंज कर दो, टेंशन नहीं लेने का, आप जो चेंज करो अपने हिसाब से, जो अच्छा लगे आपको बनाओ। तो विक्रम भाई आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपकी जो आपने जुबान से वर्ड बोला है ना, इस वर्ड की कीमत ये पंडित प्रधान रखेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट निकाल के देंगे, ये हमारा आपसे वादा है, आप सभी लोग से वादा है कि अगर आपने भरोसा किया ना भाई, तो आप एक चीज तो दिमाग में लिख लीजिए, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपके साथ कभी कोई यूज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई इंपोर्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको जेन्युइन मिलेगा। ये हमारी और अंकित की ईमानदारी की कसम है, आपको सच बता रहे एकदम। और ऐसा नहीं भाई कि हम लोग फर्जी बोल रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक भाई, तो सर सबसे पहले बताते हैं कौन से कंपोनेंट्स करने हैं, और चलो पहली बार आए तो क्या करना है, अगर हमारा कंपाउंड कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ना पसंद आए तो मत करना यार, मत करना, करना पड़ेगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा, कभी कभी तो पसंद आएगा यार, कभी ना कभी तो दिल में आपके बैठेंगे यार, हम लोग दिल जीतने ही आए भाई, जीत के जाएंगे, क्यों पंडित, दिल जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। ठीक है भाई, तो और कौन है पीछे बैक करना है तो उधर अंकित का नंबर देकर 9 3 2 7 6 1 5 उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको एक फॉर्म मिलेगा, ऐसा फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर देना, आपको आपका रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। और अगर अंकित थोड़ा बिजी हुआ, अंकित रिवर्ट नहीं कर पाया, भैया आप लोग होता है लिंक वगैरह थोड़ा तेज बोल लो, उनको पुरानी वीडियो लिंक वगैरह मत सेंड किया करो। हाँ। ठीक है, जो भी मैसेज किया करो टेक्स्ट मैसेज किया करो। ठीक है भाई, और अगर अंकित का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप हमारे ऑफिशियल जो पेज है इंस्टाग्राम का, मिस्टर पीसी वाले इंस्टाग्राम जाना, ऐसा पेज है, सर्च करोगे तो 2-3 दिन फर्जी आएंगे, तो मेन है वही, उस पर करना, उस पर डीएम करना, बहुत जल्दी आपको अपने स्टार्ट करने, ये लोग बोल देते हैं कि टाइमिंग कितने बजे स्टार्ट हुआ है। तो विक्रम भाई आपका बिल्ड स्टार्ट होने वाला है, देखिए ये रहा बिल्ड आपका, ये लोग टाइमिंग डाल के भेज देते हैं कि इतने बजे स्टार्ट हुआ है। तो भाई लोग सबसे पहले देखिए, हम लोग दिखाते हैं आपको, हम लोग जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं विक्रम कश्यप भाई की, ये नुची भाई साहब कूलर मास्टर की, कूलर मास्टर MWE 850 वॉट V2 फुली मॉडल 80 प्लस गोल्ड 5 ईयर्स वारंटी आती है। इनकी जरा काट पीट करो, दिखाओ जल्दी से, सो भाई ये देखिए पावर सप्लाई आपकी, इसमें रखे हैं आपकी ये पावर केबल रखी हुई है सिलिका जेल, और ये रहे देखिए आपके सारे इसमें आपके केबल जो भी रिक्वायर होंगे लगाइएगा, और उसके अलावा ये रखी आपकी 850 वॉट 80 प्लस गोल्ड फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई 850 वॉट हम लोग गोल्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे हमें मर्जी यूज़ करेंगे। भैया 3080 कार्ड लग रहा है, 850 वॉट तो आपको लगानी ही पड़ेगी, अगर आपका भैया 3080 कार्ड लगा रहे हो तो 850 वॉट पावर सप्लाई लगाइएगा, कॉस्टिंग मत करना, अराउंड 10,000 के आसपास ये पावर सप्लाई आपको कॉस्ट करती है। और उसके बाद भाई देखिए, जो उसमें फैन यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं लियानली करने वाले लियानली यूनिफैन SL 120 RGB रिवोल्यूशनाइज्ड डीजी चेन ARGB फैन,
और तीन आठ और आपके तीन तीन फैन की दो किट्स यूज हो रही हैं। ये देखिए फैन के अंदर आप खोलेंगे तो कुछ ऐसे निकलते हैं फैन, और ये मैग्नेटिक फैन होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे अंकित भाई रात में चिपक जाते हैं, पूरी पूरी रात बतियाया करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करते हैं, किसको हम आप ही लोगों को करता है बंदा, और किसको करेगा। अच्छा लॉकिंग सिस्टम मैग्नेटिक सिस्टम कुछ भी कह लो यार पंडित यार, तुम ऐसी बात करोगे। ठीक भाई ये को ये रहा यूनिफैन, बिल्ड क्वालिटी एक नंबर भाई साहब, बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कैमरा फोकस कर लिया, ठीक भाई बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और लुक वाइज अंकित कैसे लगे, मस्त लगे। यहाँ पर इसमें RGB रखी होती इस साइड में, ठीक। और उसकी प्राइस की बात करें तो भाई साहब एक किट की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है रे बाबा, बहुत ज्यादा आती है। ये फैन हम लोग यूज करेंगे, तीन साइड लगाएंगे, तीन टॉप पे लगाएंगे, तीन नीचे लगाएंगे, जो ऊपर वाले आपके आयु के हैं उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भाई लोग उसमें तीसरा जो आपके लियानली का प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है लियानली गैलाहट AIO 360mm RGB क्लोज लूप ऑल इन वन CPU कूलर, ठीक है। अभी भैया जरा खोलो अंकित फटाक से और दिखाओ। अब अंकित सील तो ब्रेक, तुम तो यूज प्रोडक्ट यूज करते हो यार। सील तो ब्रेक है यार, तुम तो यूज प्रोडक्ट यूज करते हो, हमने तो कैमरे में समय दिखा दिया यार। नहीं तुमने की है, तुमने जो यूज प्रोडक्ट यूज किया यार पंडित यार, कैसी बात करोगे यार। खोला है अभी, खोला है। झूठ बोला बोलो तो यार तुम पंडित यार, तुम झूठ बोलते हो यार। नहीं तुमने झूठ बोला यार, पक्का देखो अंदर यूज होगा तो उसके पंखों में डस्ट होगी, पक्का उसके पंखों में डस्ट होगी, उसके तार मुड़े हुए होंगे, देखना तुम क्या। अरे चलो किस्मत थी अच्छी, तुम बच गए बेटा। तो भाई साहब ये देखिए तफरी कर रहा हूँ मैं, बता मत मानना। ये देखिए 360mm का AIO निकला है, जिसके फैन ये निकले, इसके फैन की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, एक नंबर फैन की क्वालिटी है। और रेडिएटर की भी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लियानली। तो भाई साहब अगर मैं इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर और इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई साहब एक नंबर बिल्ड क्वालिटी है। ये देखिए इसका एक कैप निकला हुआ है लियानली का, ये इसमें यहाँ से चिपक जाता है बस, ठीक है। ये देखिए देखिए क्वालिटी देखिए आप खाली, भाई साहब मजा आ जाए, एक नंबर क्वालिटी। NZXT का फील दिला रहा है यार ये तो, ये NZXT का जो है फील दिला रहा है एकदम, बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा, इतना जबरदस्त फैन का वेट बहुत ज्यादा है यार। हाँ एक अंकित यार वेइंग मशीन आनी पड़ेगी जिससे वेट कर सके, ठीक भाई। तो ये गलाहट लग रहा है इसमें 360mm का, ठीक। एक वेइंग मशीन लाएंगे इतनी सी, इसमें यहाँ रख के हम लोग अपना जो है इन कंपोनेंट से कभी कभी वेट कर लिया करेंगे, ठीक है भाई। ये लग रहा है, प्राइस की बात करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपोनेंट का प्राइस वो कंपोनेंट का लिंक पड़ा हुआ है, जाके आप वहाँ से प्राइस का चेकआउट कर सकते हैं। सो भाई लोग उसके बाद देखिए इसमें जो एसेसरीज दो यूज हो रही है, वो पहली है स्ट्रीमर प्लस, ये है आपकी 8 पिन की, ये देखिए ये आपकी 8 पिन की ARGB एक्सटेंशन केबल जिसे कहते हैं हम लोग। ये देखिए ये बहुत जबरदस्त है भाई साहब, इसमें जो कंट्रोलर लगता है ना उस कंट्रोलर के साथ। अबे कित खोलो यार, तुम शर्म नहीं आ रही हम खोल रहे हैं यार, तुम यार पढ़ने में लगे हो यार, तुम ऐसी बात कर रहे हो यार, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो उनके साथ। तो तुमने क्या किया है कल? अच्छा कोटेशन दी है इसलिए थकने लग रहा है यार, ठीक है। ये देखिए रहा है 8 पिन का, और ऐसे ही एक ये रहा आपका 24 पिन का स्ट्रीमर प्लस। भाई साहब क्या गजब रंग बिरंगी लाइट देता है ये, मजा आ जाएगा तुमसे बता दूं आपको, बहुत जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी एक नंबर टॉप नॉच। ये तो यूज हो रहे हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, और बाकी ये इसका बटन है कंट्रोलर, इससे बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट हो जाते हैं। इसको मैं लगाऊंगा और दिखाऊंगा आपको इफेक्ट इसके चेंज करके जाके लगाना है पंडित, ये वीडियो में तुमसे कह रहे हैं तुम छुपा मत लेना इसको, तुम छुपा कर ले जाओ तो पता चला, और घर ले जाओ और जो है भाभी के सामने यूं करो 1 2 डिनर, ये आ गया लंच, ये आ गया, और ये आ गया, और चौथा दवाया हैंग हो गया बड़ा बेलन मच से, ठीक है भाई। ये देखिए हमारा इसमें यूज हो रहा है, बाकी आपको दिखाते हैं भी, रुको आप कोई वीडियो नहीं कट होगी, सब अच्छी से लेकर रैंडम। सो भाई लोग उसके बाद जो इसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है वो AMD Ryzen 9 5900X 12 कोर 24 थ्रेड 4.3.7 बेस 4.8 जाती है आपकी बूस्ट। और ये रहा इसका सेल नंबर, चेक कर लो यहाँ से भी आपको फुल सील पैक, खो जल्दी फटाक से सील पैक ब्रेक कर इसकी, ठीक। बाकी डब्बे में कुछ नहीं आता है, बेवकूफ बनाते हैं MD वाले, सिर्फ आपका मिला प्रोसेसर। कॉस्ट की बात करें अराउंड 52,000 लेके 55,000 के बीच में कॉस्टिंग करता है आपको। और उसके अलावा ये कुछ टीम जाम इसमें यूज हो रहा है, सबसे पहला टीम जाम ये यूज हो रहा है 8 GB की 2 स्टिक्स 36 MHz। अब बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, 14 GB राम लगा दी रे बाबा लूट लिया, अबे मेरा भाई अभी 1 PG लगा रही भाई लूट मारो। अरे यार उसको नीड इतनी थी मेरा भाई, 36 MHz की लग रही है और फुल सीड पे आ गए, यहाँ से भी खोल लगे जल्दी से।
सॉरी भाई लोग कॉल आ गए थे बीच में, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। बाकी ये रही आपकी रैम XPG, मतलब XPG की रैम है और 8GB की 2 स्टिक 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम है। सीरियल नंबर वगैरह सबको ये लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है भाई, ये देखिए ये रही आपकी रैम। उसके अलावा और क्या लग रहा है अंकित? और ये लग रहा है ए डाटा की 2.5 इंच की साटा SU720 1TB की, ये लग रही है सेकेंडरी। और ये लग रही है हमारी प्राइमरी जो कि है WD Black SN850 1TB Genfos 7000 MBPS, मतलब हजारों रुपए भाई खाली स्टोरेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक भाई, तो अंकित ज़्यादा काटो सीरीज की। तो भाई लोग ये देखिए WD Black SN850 1TB Gen 4 रीड स्पीड है अप टू 7000 MBPS। देखिए ये लग रही है, इसमें ये प्राइमरी सेक्शन, इसमें गेम पड़ेंगे और सारा आपका डेटा वो पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट पड़ेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ेगा इसमें। ठीक, और उसके अलावा जो 2.5 इंच की ए डाटा की AC 720 यूज हो रही है, 450। अच्छा 520 और 450 इसकी डेटा वो स्पीड है। और ये होगा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, तो भाई सेकेंडरी स्टोरेज भी बहुत फास्ट ले रहे हैं। इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 7000 के आसपास, सॉरी 17-18000 के आसपास। और इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 10000 के आसपास, मतलब 8000-9000-10000-11000-12000 के आसपास घुमा करती है ये। ठीक भाई, तो ये देखिए इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े होंगे, जाके आप परचेज कर लीजिएगा। कब तक जब हमारी वेबसाइट नहीं आ रही है तब तक, जब तक है जान वेबसाइट आई जाएगी भाई। उसके अलावा जैसे मदरबोर्ड यूज होता है वो यूज होता है Asus ROG Strix X570E Gaming, जिसमें आप भैया लिख के आ रहा है AMD Ryzen 5 5th generation desktop ready, ये रहा सीरियल नंबर और ये रही इसकी सीरियल। हाँ भाई, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक अपडेट होके ही आ रहा है। और भैया इसका वो दिखाओ कि जरा भोकाल से काटो सील काटो जल्दी से, वो भैया मैन्युफैक्चरिंग कब की है आप ये देखो। अमां कहाँ गई अमां, ये देखो आप मैन्युफैक्चरिंग इसकी अगस्त 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल लेटेस्ट। देखो उसमें टैग रख के आ रहा विंडोज 11 रेडी और हाँ ओल्ड स्टॉक बचता ही नहीं है भैया कुछ। ठीक है, तो ये कोई आर्बिट्रेशन मत लेना, खोल अंकित। तो जैसे आप इसको खोलोगे, खुल नहीं रहेगा साला, खुल गया। जैसे आप खोलोगे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, इसमें इस डिब्बे में आपको एंटीना मिलेगा और आपके वही दोनों हैं एंटीना, ब्लूटूथ के वाईफाई के एंटीना ब्रांड रखे हुए हैं। और ये मदरबोर्ड निकाल दो खाली अंदर, बस ये रहा मदरबोर्ड। बाकी एक्सेसरीज के अंदर रखी होंगी जो हमें दिखाएंगे दिखाएंगे, ऐसी चली जाएगी। तुम्हें सामान की जरूरत पड़ेगी है तो भैया ये देखिए मदरबोर्ड है X570 सीरीज का बाप है भैया, ये मिड रेंज का बाप। मतलब अगर हायर वो बना रहे हो आप CPU अपना, तो उसमें जो मिड रेंज के जो होते हैं ना, तो उसका बाप है भाई साहब। 4 रैम स्लॉट पे आता है और बिल्ड क्वालिटी तो भैया समझो एकदम आफत हो रही है, आफत खतरनाक। और ये रहे इसके देखिए IO पोर्ट्स आपके 1 2 3 4 5 6 6 7 दे रखे हैं आपको, 3.1 के पोर्ट, HDMI 2.0 दे रखा है, बायोस फ्लैश का बटन, ऑरिजिनल लोगो और टाइप सी का पोर्ट, वाईफाई 6 और 2 दिए हैं आपको लैन केबल के, वो पोर्ट 2.5 GHz का एक है और दूसरा नॉर्मल वाला है। ठीक है, ये देखिए बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, द चॉइस ऑफ चैंपियंस, ऑरिजिनल लोगो, स्टिक्स लिखा हुआ, ये पन्नी लगी हुई है, चलो हटाई दी हमने। ठीक, उसके अलावा और अंकित टाइप सी थंडरबोल्ट का भी पोर्ट दे रखा था इसमें, थंडरबोल्ट का पोर्ट ये रखा दे रखा क्योंकि हमारे कैबिनेट में थंडरबोल्ट का पोर्ट है। ठीक भाई, तो ये सारे कंपोनेंट। अब चलिए इसको फटाक से करते हैं एक मिनट में इसको बिल्ड, चटपट खाट। तो भाई साहब महाकुंभ से निकली महा कैबिनेट लियानली O11 डायनेमिक एक्सेल, जिसकी हम बहुत पहले बहुत बुराइयां करते थे कि ये कैबिनेट थर्मल टेक व्यू 51TG के कंपेयर में थोड़ी सी कम है, बहुत अच्छी है। और आज भी हम यही कहना चाहेंगे कि ये कैबिनेट उससे थोड़ी सी कम है, बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, बट प्राइस ज्यादा है, थोड़ा प्राइस ज्यादा है इसका यार। 200 mm के दो फैंस में एक्स्ट्रा मिलते हैं, हाँ हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये कि भैया जब पसंद की बात होती है, पसंद की बात होती है, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है, किसी के लिए अच्छी है किसी के लिए वो अच्छी है, आपके लिए क्या अच्छी है ये आपको खुद डिसाइड करना है। बाकी तो जिम्मेदारी हमारी है बोलने की बताने की, हम लोग बोल देते हैं, मतलब बहुत बता देते हैं। So, भाई लो, ये देखिए कैबिनेट है, फ्रंट में देखिए ये आपका पावर ऑन ऑफ स्विच, रीसेट बटन, 1 2 3 4 4 आपको देखिए IO पोर्ट्स दे रखे हैं 3.0 के, हेडफोन जैक माइक जैक और
ये बटन दे रखा है और ये टाइप सी का पोर्ट दे रखा है। फ्रंट पूरा शीशा पैक, साइड से भी शीशा पैक, आउजी की बैजिंग, आउजी सर्टिफाइड, और ऊपर का ये ढक्कन खुल जाता है। और साइड से देखिए आपको ये एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस दे रखा है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, अच्छी है कैबिनेट की, नो डाउट। और स्पेस के मामले में भी कैबिनेट बहुत अच्छी है। अब सीधे इनकी सबसे पहले क्या लगाओगे इसमें, पहले नंगा करोगे इसको? अच्छा, पहले नंगा करोगे SMPS। और ये देखिए पीछे इसमें आपके हार्ड डिस्क के स्लॉट पीछे आपको ऑलरेडी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। चलिए फटाक से इसमें लगाते हैं SMPS। और केबल मैनेजमेंट के लिए देखिए ये कवर दे रखा है, इसको कवर करके केबल मैनेजमेंट आप अंदर छुपा सकते हैं। बाकी केबल मैनेजमेंट कैसा होगा अभी इसकी वीडियो में आप आगे देखेंगे ही। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद केबल मैनेजमेंट तो इसका ऑलरेडी होने वाला है, ठीक है। ये देखिए दो स्लॉट दे रखे हैं। तो भाई देखिए अभी तक हमारा ये काम इतना हो गया है। देखिए ये जो गैलाहट है, गैलाहट लग गया है आपका। गैलाहट में अंकित ने क्या किया है, फैन निकाल के लगा दिए आपके यूनिफैन और तीन यूनिफैन नीचे लगा दिए, तो मतलब एक थोड़ा सा सीन बना दिया है। ये लियानली के फैन का और ये लगे हैं आपके आपके गैलाहट का फैन, ठीक। मतलब है लियानली के भी, ये भी है लियानली के ही, लेकिन यूनिफैन नहीं है, ठीक। तो ये आपके रहेंगे गैलाहट के फैन और ये रहे वो। अब इसके बाद सीधे बनने जा रहा है बंडल, सील कटेगी और बंडल बनेगा। देखिए आप फटाफट देखिए, तो भाई लोग मशीन अपनी बड़ी मुसीबत से भाई साहब बड़ी जद्दोजहद करके बहुत टाइम लेके बिल्ड हो गई। देखो टाइम की बात क्या बताऊँ मैं, अभी अगर इसी मशीन को हम कुछ ना करते, अंकित कुछ ना करता, सारे तार उठाता और ऐसे ही घुसड़ देता इसमें, तो भाई साहब जल्दी बिल्ड हो जाती। गलत कह रहे हैं क्या आप बताओ? लेकिन उसके बाद केबल मैनेजमेंट ऐसा क्या हो पाता है? क्या आप फख्र से कभी किसी से कह सकते हैं कि हाँ आपने मिस्टर पीसी वाले से पीसी लिया है? क्या आप फख्र से कह सकते हैं कि पंडित जी ने आपका पीसी बांधा है? हाँ आप बताओ। तो उसके लिए टाइम की वैल्यू को टेंशन नहीं, टाइम जाए तो जाए। भाई साहब देखिए ये तीन फैन लग गए हैं। और हाँ एक चेंज कर दिया हम लोगों ने, क्या किया था जो AIO के फैन थे वो यहाँ लगाए। अबे लेकिन वो मैच ही नहीं हो रहे थे, मज़ा ही नहीं आ रहा था। क्यों अंकित? वो मज़ा ही नहीं आ रहा था तो फिर इसीलिए अंकित ने कहा हटा उसको, एक और किट लगाओ इसमें ताकि ये लुक अच्छा होना चाहिए। तो लुक के चक्कर में ये फैन लगा दिया और उनके RPM उनके RPM में बड़ी डिफरेंस तो है ही। तो देखिए ये सब लग गया। अब हमारे लगने जा रहा है ग्राफिक कार्ड, GPU। ये देखिए रखा हुआ Zota Gaming 3080 और ये देखिए ग्राफिक कार्ड, देखिए इसमें सील लगी हुई है। ये देखिए ठीक, इधर से भी सील पैक और इधर से भी हमारा ग्राफिक कार्ड सील पैक, ठीक। उसके अलावा 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 ये देखिए है इसका सीरियल नंबर वगैरह, ठीक। ये रहा इसका सीरियल नंबर और ये देखिए इसका लिखा हुआ है MRP और मंथ ऑफ ईयर ऑफ मैनुफैक्चरिंग और इम्पोर्ट अगस्त 2021 का, ठीक। ये ग्राफिक कार्ड है और ये देखो अंकित भाई ने जो इसमें SSD लगी ना 2.5 इंच की, उसको यहाँ पर लगा दिया है।
ठीक, तो ये रहा अंकित भाई ग्राफिक कार्ड लगाओ क्या। तो भाई लो देखो ये जा काट रहे हैं अंकित भाई आपके सामने आपके ग्राफिक कार्ड की सील, ठीक है। ये देखिए विक्रम भाई देख लीजिएगा आपके सामने को, अगर आप ज़ोटेक का कोई भी कार्ड लेते हो तो बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है, न्यू कार्ड ऐसा होता है भाई, इम्पोर्ट कार्ड होते हैं, यूज्ड कार्ड होते हैं, उनसे बच कर रहना भाई। मार्केट में बहुत लोचा चल रहा है, हमसे आते हैं लोग कहते हैं भाई आप इतने का दे रहे हो, वो तो देखो 10,000 रुपये सस्ता दे रहा है। अब भैया हम यही सवाल जवाब यही रहता है कि भैया आप समझो, क्योंकि आप समझो यार अगर हम बेच रहे हैं तो आप ये भी सोचो कि हम किस तरह सेल कर रहे हैं, आपको किस चीज़ ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। देखो ये आप खोलते हो उसमें अंदर सील नहीं होती, देखो अंदर सील नहीं है वो खाली कार्ड है, और जैसे कार्ड निकालते हो तो ये देखो ग्राफिक कार्ड आपका रखा हुआ है, ये देखो ठीक बहुत बढ़िया कार्ड है। ये देखो इसके कैप्स वगैरह हैं 4 लगे हुए हैं, एक ये कैप लगा हुआ है, देखो 3 फिंगर आता है ज़ोटेक का 3080, यहाँ पे आपको रखी है RGB, और ये रही इसकी बैक प्लेट, ये देखो बैक प्लेट ठीक लिफ्ट टू गेम, और सी नंबर देखो इसका ये है, देखो ऐसे नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ, हाँ ये देखो ये रहा ऐसे नंबर, इसको भाई अपने उससे क्या बोलते हैं मैच कर लेना। और सबसे मेन बात विक्रम भाई आपसे एक गुजारिश है, गुजारिश ये है कि डब्बा उठा इसका, इसका आपको ज़ोटेक इंडिया की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जिसने जिसने ज़ोटेक के कार्ड अभी तक हम लोगों से परचेज किए हैं सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ज़ोटेक के कार्ड 5,000 वारंटी पे आते हैं, आपको ज़ोटेक गेमिंग की वेबसाइट पर जाना है और जाकर आपने प्रोडक्ट का सेल नंबर डाल के उसको रजिस्टर्ड करना है, तभी आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी, अदरवाइज ऐसे 2 साल की मिलती है, 2 या 3 साल की। तो अगर आप लोग कहो तो हम इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो अंकित बना दें हैं, इनका भाई का प्रोडक्ट को सोचा रजिस्टर्ड कर दें, रजिस्टर्ड करके वीडियो बना के दिखा देंगे कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है इसको, क्योंकि दिखा देंगे ठीक है भाई। तो ये नया कार्ड आपका है विक्रम भाई, और बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लोग ले सकते हो भाई साहब, जितने भी GPUs रखे हैं ना सब डायरेक्ट कंपनी से हैं, डायरेक्ट कंपनी, कोई थर्ड पार्टी नहीं है बीच में, कोई इंपोर्ट नहीं है, सीधे एकदम जेन्युइन चीज़ है, बेफिक्र होकर आंखें बंद करके आप ले सकते हो। लगाओ अंकित भाई जरा इसको, सो भाई लोग मशीन अपनी कंप्लीट हो गई है, और ये फुल लियानली बेस्ड हमारे चैनल की पहली मशीन है जिसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स लगे हैं लियानली के, जो भी अवेलेबल हो पाते हैं, एक बस सितारा चमक रहा है पीछे जो लगा है XPG का वो देखो ठीक है। तो ये देखो क्या है पूरा PC हमारा, ये देखो नीचे 3 1 2 3 फैन दे रखे हैं, साइड में 3 फैन लगे हैं आपके लियानली के, और टॉप पे लगे हैं 3 फैन लियानली के, गैलर हेड लगा है, और ये रही आपकी स्ट्रीमर प्लस भी लगी है, 8 पिन और 24 पिन XPG की रैम, और गैलर हेड का देखो ये आपका उसका वो है आपके रेडिएटर सॉरी CPU हेड जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ASUS का मदरबोर्ड लगा है सबसे बेस्ट पार्ट, और ज़ोटेक गेमिंग दर्शाने वाला लगा है ज़ोटेक का कार्ड। अब मुझे पता है इसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा पीछे से, इतने अच्छे से आपको नहीं दिख पा रही होगी, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी हम लोग एक अच्छा सा कैमरामैन और अच्छा सा वीडियो एडिटर हायर कर रहे हैं। तो आप में से कोई वीडियो एडिटर हो कैमरामैन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत जल्दी हम लोग हायरिंग करने वाले हैं, फिर आपको डिटेल में एक एक चीज़ अच्छे से B-roll के साथ सिनेमेटिक शॉट्स के साथ दिखाएंगे ठीक है। बाकी मशीन दिखने में कैसी लग रही है आप लोग बताओ, क्या करें यार आपको बताओ, इसी तरीके से हम लोग दिखा पाते हैं क्योंकि जो है इतना हमारे पास वो तो है नहीं के तिकड़म करें बैठ के ठीक है। कैसी लग रही मशीन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we try to be a negative.
So, विक्रम भाई मशीन आपकी रेडी हो गई है, रेडी हो गई जैन हो गई है, और ये हमारे चैनल की पहली भैया एक्टिवा कह चुके हैं भाई लियाली बेस मशीन है, तो अगर प्यार दिखाना हाँ फुल, लेकिन उसमें लियाली के फैन नहीं लगे थे, फैन नहीं मिले, फैन नहीं मिल पाए थे उस टाइम, तो ये 3.3 लाख रुपए की मशीन रेडी हुई है 3.3 लाख RTX 3080 के साथ, गजब लूटा भाई, मजा आ गया लूट के, कम से कम लाख, बहुत से बहुत लाख, 100 लाख रुपए कंपोनेंट लगे होंगे इसमें, और 2 लाख के आसपास उन्होंने कमाया इसमें, आपने तो समझ ही रहे हो कि तो कमाया ही होगा,
क्योंकि खाली ग्राफिक कार्ड के रेट जोड़ते हैं लोग, तो खाली ग्राफिक कार्ड के रिटर्न बता दी भैया लाख सवा लाख के आसपास देख लो, बाकी तो सब फ्री में आता है, बाकी सब फ्री में कंपनी वाले दे जाते हैं ना। नहीं नहीं ग्राफिक कार्ड इस टाइम बहुत महंगा है, जिस टाइम में मशीन डन हुई थी तो ऑलरेडी सस्ता था, अब तो आग लगी हुई है, आग इस टाइम लगी हुई है दिलों में, क्या बताएं आपको हम, किन किन के दिलों में आग लगी है बताओ, वीडियो देख जरूर रहूंगे जिनके दिल में आग लगी है ना, लगा लो तुम आग, जल जाओ, मर जाओ, भस्म हो जाओ। किसको कह रहे हैं पंडित, पता नहीं भाई हमें क्या बात है। अरे यार तो भाई ये बिल्ड हो गया हमारा, और अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई वीडियो देखनी हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, एंड स्क्रीन में आ रहा होगा, देख लीजिए। कोई नया पीसी बाय करना हो तो वहाँ पर हमने नंबर दिया है 9532777615। आपको कुछ नहीं करना, और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, 60-70 हजार रुपए की बिल्ड चाहिए, एपीयू जीपीयू की उम्मीद बिल्कुल ना करें, एपीयू पे जाएं, जब जीपीयू सस्ते हो जाए तब आप उसको ग्राफिक कार्ड लगा के यूज कर सकते हैं मशीन को। फिलहाल आप लोग एपीयू पे ही डिस्कशन करें, जीपीयू की डिमांड मत करें भैया, 16-50 वगैरह तो 10-50 तो लेने कोई फायदा भी नहीं, 20,000 वगैरह 10-50 क्या करेंगे बेच के उसको, ठीक है। एपीयू पे जाओ 5700G, और वैसे भी 5600G का बेस जो बिल्ट आया था, आई बटन से दिखा देना, उस पर बेंचमार्क दिए भी है, आप देख भी लीजिएगा, पता भी चल जाएगा किस हिसाब से चल जाएगा काम आपका, ठीक है भाई। और आज के इतना ही, ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन रुक जाइए पहले, कोई नया पीसी वायर करना तो नंबर दिया 9532777615, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको एक फॉर्म लिखा फॉर्म कर दीजिएगा, कोई लिंक कोई प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा, और इंस्टा पे हमारा एड्रेस है मिस्टर पीसी वाले, फॉलो कर लीजिएगा, उधर कहीं लिंक आ रहा होगा, कोई फर्जी वालों को फॉलो मत कीजिएगा, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग खुश बहुत है कि तो सारा 3 लाख के बजट में बिल में 2 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं, 1 लाख रुपए खाली ग्राफिक कार्ड दे दिया, बाकी सारे कंपोनेंट फ्री में आ गए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आप लोग की भाषा बोलते हैं, जो आप चाहोगे हम वो बोलेंगे, जो आप बुलवाना चाहोगे हम लोग वही बोलेंगे। हम लोग 1750 देख के बेवकूफ बनाते हैं, 1650 देख के बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ कार्ड का पैसा लेते हैं, बाकी लूट डालते हैं। बाबा भाई टेक केयर, अबे बुरा मत मानना यार, तुम लोग के साथ मजाक कर रहे हैं यार, तभी क्या करते हैं, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, बंद करो तू भैया का कुछ, बंद करो सब, ताला मारो जल्दी से। आज